कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियां दूर होने लगी हैं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। 16 जनवरी शनिवार को हुए टीकाकरण अभियान में भी यह सामने आ गया है। राहत की बात यह है कि गोरखपुर में वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। गौरतलब है कि शनिवार को हुए कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अब विभाग की नजर लोगों के सेहत पर है। टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी स्वास्थ्यकर्मी को कोई परेशानी नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, दिनांक 16 तारीख को इनॉग्रेशन के बाद जो कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किया गया उसमें 310 लोगों ने टीकाकरण कराया और सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई। और नेक्स्ट टाइम बार में अब दिनांक 22 तारीख को टीकाकरण फिर से होगा, जिसमें नए लोग भी रहेंगे और वो जो पुराने लोग छूट गए हैं उनको भी उसमें सम्मिलित करके टीकाकरण किया जाएगा। और आने वाले समय में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को टीकाकरण होता रहेगा जब तक कि फर्स्ट फेज़ का टीकाकरण ख़त्म नहीं हो जाता। अभी सरकार ने कहा है कि उन्हीं 6 सेंटरों पर जितने भी लोग इनरोल हो चुके हैं पहले से उन सबको पूरा कर लिया जाए, और जब उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद से और सेंटर को लिया जाएगा।